नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करवाएंगे आपको 9th लेसन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन, यानी युवा पुरुष की जिम्मेदारी या क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें शास्त्री जी क्या बताते हैं कि संविधान हमें कुछ अधिकार देता है, लेकिन अधिकार देने के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी देती हैं। उन जिम्मेदारियों को हमें अच्छी तरह समझना होगा। शास्त्री जी के अनुसार एक गुड सिटीजन कौन होगा? गुड सिटीजन यानी अच्छा नागरिक। दोस्तों, इससे पहले पर शुरू करने से पहले मैंने आपको एक यहाँ पर इनबॉक्स दिखाई दे रहा होगा। मैंने इस इनबॉक्स में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंगों को लिखा है, बस ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बस 6 ही हैं। इनको एक बार अच्छी तरह से याद कर लेना। क्या होता है, हम एग्जाम में बैठ तो जाते हैं, प्रश्न आ जाता है, देखते हैं, हाँ हिंदी में तो याद रहता है, लेकिन हम उसकी इंग्लिश नहीं बना पाते, उनके वर्ड मीनिंग का नहीं पता होता। तो दोस्तों, केवल इन 6 को याद कर लीजिए, आपको पूरा पाठ आसानी से याद हो जाएगा और कोई भी प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से लिख सकते हो। इनको ध्यान से देख लेना दोस्तों, ध्यान से याद कर लेना। पहला है सिटीजनशिप, जिसका अर्थ है नागरिकता। दूसरा दोस्तों लॉयलिटी, जिसका अर्थ है वफादारी। तीसरा है वॉलेंट्री, जिसका अर्थ है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब है स्वयं की इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार। चौथा है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अर्थ है संविधान। पांचवा है रिलीजन, रिलीजन माने धर्म। और ये जो लास्ट में है दोस्तों सिक्स्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इस पार्ट में बस ये क्वेश्चन मेन है। सेकुलरिज्म, जिसका अर्थ है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, सभी धर्मों को समान दर्जा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। गुड सिटीजन, लेखक के अनुसार गुड सिटीजन कौन है? ये हमने कुछ पॉइंट नोट करके लिखे हुए हैं। लेखक के अनुसार गुड सिटीजन वो है जो ओबे द लॉ यानी लॉ को क्या करेगा। दूसरा है दोस्तों टेक डिलाइट इन परफॉर्मिंग सिविक ड्यूटी, इसका अर्थ है कि दोस्तों एक अच्छा नागरिक वही होगा जो अपने नागरिक दायित्व को पूरा करने में आनंद लेता हो। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों सेंस ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन, यानी इसका अर्थ है कि वह अच्छा नागरिक होगा जो आत्मनियंत्रण कर सकता है और अनुशासन की उसमें भावना हो, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की भावना हो, वही एक अच्छा नागरिक होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी है कि गुड सिटीजन कौन है लेखक के अनुसार, तो आपको ये 3 पॉइंट लिख देने हैं। जो ओबे यानी कानून की पालना करता हो, टेक डिलाइट इन परफॉर्मिंग सिविक ड्यूटी यानी नागरिकता दायित्व को पूरा करने में वह आनंद लेता हो, और थर्ड है आत्मनियंत्रण यानी अनुशासन की उसमें भावना होनी चाहिए। तो दोस्तों अगले पॉइंट पर आते हैं, लॉयलिटी टू द कंट्री। इस पाठ में क्या बताया है कि लेखक के अनुसार जो हमारी देश के प्रति वफादारी है, जो हमारी देश के प्रति वफादारी है, वो और वफादारियों से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में भी है यानी द लॉयलिटी टू द कंट्री इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर लॉयलिटीज। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पर्सनल टच। लेखक इसमें बताता है कि जो आज है अध्यापक और स्टूडेंट के बीच पर्सनल टच बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। जैसे जैसे संस्थान बढ़ती गई, छात्रों की संख्या बढ़ती गई, हर कोई अपने काम में बिजी हो गया और पर्सनल टच अध्यापक और गुरु के बीच में यानी गुरु और छात्र के बीच में बिल्कुल खत्म हो चुका है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का अर्थ है कि सभी धर्मों को समान दर्जा, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, उसको समान अधिकार हैं। तो बस यही बताएगा दोस्तों इस पाठ में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस लेसन की समरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।